इट वॉज गुड। गुड मैम। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था? बिल्कुल भी नहीं था। स्ट्रेस तो नहीं था, लग रहा था। नहीं नहीं नहीं, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। सबसे इजी फिजिक्स ही था। Hi, I'm Manisha. It is day 2 of JEE Main 2023 Session 1 exam. We are standing here outside of an examination center waiting for the students to come and ask them how was their exam. Tell me, how was your exam? Good. Overall good, good, good. It was good. Good ma'am. ठीक moderate था। काफ़ी tough था। हाँ ठीक था और paper का level मैं बोलूँगा moderate level। काफ़ी अच्छा गया मतलब। अच्छा था, moderate। मेरा भी moderate था। बहुत अच्छा गया। It was good, but I could have done better. अच्छा था। What was the easiest and what was the toughest part? Chemistry was easy and others were quite tough. Chemistry was the easiest. Physics was easier comparatively and maths मेरे को थोड़ा सा tough था। Maths वाला तो मतलब maths की तरह था हमेशा की तरह। Physics was मतलब okay, physics और chemistry easy थे। Maths थोड़ी tough थी, chemistry easy और physics NCERT based ही, formula based ही था पूरा। सबसे लंबी तो maths ही था हमेशा की तरह, सबसे easy physics ही था और chemistry moderate में था। केमिस्ट्री मेरे को थोड़ी सी टफ लगी, इजी फिजिक्स काफ़ी इजी थी। मैथ्स तो काफ़ी ज़्यादा इजी था और फिजिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। केमिस्ट्री नॉर्मल लगा मेरे को तो। मैथ्स टफ था एंड इजी। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स सबसे इजी था और मैथ्स टफ था। मैथ्स थोड़ा इंटरमीडिएट था पर फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा था। थोड़ा एग्ज़ाम लेंथी था मेरे हिसाब से क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, बाकी केमिस्ट्री मॉडरेट था। लेंथी था मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स तो इजी था। सो वाज देयर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी सिलेबस? मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फिजिक्स वाज आल्सो इजी। मिक्सअप थे, फिजिक्स में भी क्वेश्चंस थे, फार्मूला बहुत सारे आए, लेकिन फिजिक्स में थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे कुछ और केमिस्ट्री भी घुमाओ और इनऑर्गेनिक के ज़्यादा पूछे गए थे इस बार। केमिस्ट्री एनसीईआरटी तो अगर कोई पढ़ के गया होगा तो मेरे ख्याल से इनऑर्गेनिक के सारे किया होगा। फिजिक्स में अगर बात करें तो हाँ लगभग अगर आप फार्मूला भी अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो काफ़ी सवाल आपसे बन जाएंगे। केमिस्ट्री मेरे को टफ लगी और मैथमेटिक्स हाँ मॉडरेट लेवल। बहुत ईजी था मतलब कि मैथ्स तो हमको लगा बोर्ड टाइप का था एकदम। एनसीईआरटी का मैक्सिमम सिलेबस था और जो क्लास में लेक्चर कवर हुए, नोट्स हुए, उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे थे। ज़्यादा तो नहीं था बट हाँ थोड़ा बहुत मान सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था एनसीईआरटी बेस्ड, बाकी फिजिक्स मैथ्स में नहीं। हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग? लाइक प्रीटी गुड स्कोर। अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं है। 130 टू 150 के बीच में मतलब 120 एंड 130। 150 प्लस या फिर 140 प्लस तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं आप। 130 140 के अराउंड। अबाउट 180 80 टू 100 100 तक। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में श्योर हूँ कि मैं मुझे अच्छे मिलेंगे मार्क्स। मैथ्स इंटरमीडिएट था। 120 टू 150 आई गेस। 130 प्लस। एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, या अभी कैसा लग रहा है एग्ज़ाम के बाद? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था पर मतलब जब एक बार एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तो फिर उतना वो मैटर नहीं करता। जब मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं फिर जब दिखने लगता है कि हाँ बन रहे हैं क्वेश्चंस तब वो स्ट्रेस सारा चला जाता है। कल रात में जितना स्ट्रेस था उससे ज़्यादा ही रिलैक्स फील कर रहे हैं अभी। बिल्कुल भी नहीं था। फ्रीली माइंड से क्योंकि टेंशन लेके वैसे को मतलब है नहीं और पेपर बिगड़ेगा। स्ट्रेस तो नहीं था क्योंकि मम्मी पापा आ गए तो स्ट्रेस कहाँ से रहता। नहीं मेरे को स्ट्रेस था वो बात ठीक है लेकिन उतना मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि जितना स्ट्रेस लो उतना हमारे लिए दिक्कत होती है तो इस वजह से मैंने स्ट्रेस को थोड़ा दूर करके मैं एकदम चिल होकर एग्ज़ाम दिया। लग रहा था कि मतलब मैथ्स उतना भी मैं पढ़ा नहीं था तो मेरे को लगा कि मैथ्स में भी ना बने लेकिन काफ़ी ईजी था मैथ्स। नहीं नहीं नहीं, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। अभी ये लग रहा है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट और करने की ज़रूरत है। ओवरऑल तो सब कुछ अच्छा था, बस मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत नीडेड है। So these were the mixed and genuine reactions of the students. If you had exam today, do let us know in the comment section below how was your exam. If you have exam in the upcoming days, wishing you all the best.